हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और अभी मिल्किंग का टाइम है और आज फिर मैं काउ मिल्किंग कर रही हूँ। आपने मैंने फेलो मिल्किंग की वीडियो डाली थी, इतना प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपकी और भी डिमांड आ रही थी कि मैं फेलो मिल्किंग करके दिखाऊँ, लेकिन आज फिर मैं काउ मिल्किंग कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले एक बार मैं बिजनेस स्टार्ट कर लेती हूँ, मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। और बारिश का मौसम हो रहा है, देखते हैं होती है कि नहीं। ऐसे ऐसे मौसम बहुत अच्छा है मौसम। थोड़ी दुखी भी हूँ मैं, क्यों वो भी मैं बताऊँगी आपको। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मुझे पता लगेगा कि कौन कौन मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। क्योंकि फेलो मिल्किंग पे मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि फेलो मिल्किंग करके दिखाओ, और मैंने एक दो दिन पहले वीडियो अपलोड की थी और मेरी वीडियो वो बहुत अच्छी गई। आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी वीडियो इतनी अच्छी जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी गई। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि आप रूटीन भी शेयर करो, तो आप सब बताना मैं शेयर करूं, तो आप मतलब चाहते हैं कि मैं शेयर करूं या नहीं। पहले एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर देती हूँ, उसके बाद फिर बातें करेंगे। कि आप स्प्लिट मेकिंग कैसे करते हैं, तो बस कुछ नहीं, बस क्या बताऊँ कि आदत हो गई है। मतलब कि अगर मैं स्लो करने की कोशिश करती हूँ ना, मुझे होती नहीं। उस भी मैं स्प्लिट बोलते थोड़ा स्लो करो, लेकिन मुझसे होती नहीं, बस आदत हो गई है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो करती हूँ, उसके बाद अपने आप स्पीड होती जाती है। मतलब कोई ज़्यादा नहीं है, बस अपने आप हो रही है, आदत सी हो गई है स्पीड ही करने की। Thank you.
फ्रेंड्स, अब इस धन की रहती है इसकी मुस्किन कर लेते हैं और साथ में हम बातें कर लेते हैं क्योंकि कुछ बातें हमारी अधूरी रह गई थी। देखो ये लात मार रही है। और फ्रेंड्स, मैं उतारी थी ना, मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ पता है? जो हमारे फैलो थे ना, जिसकी अभी डिलीवरी हुई थी, क्योंकि हमारे पास एक ही थी और उसको हमने सेल कर दिया। मतलब मैं नहीं चाहती थी कि हम उसको सेल करें, लेकिन बस फैमिली वालों ने कर दिया तो क्या कर सकते हैं। वो सबसे बड़ी बात है, वो मेरे मायके से आई थी। थोड़ी अटैचमेंट हो ही जाती है मायके की, तो चाहे कुछ भी हो। वो बोलते हैं अगर कुत्ता भी आए तो वो भी प्यारा लगता है। वो तो फिर भी भैंस थी, फिर चलो क्या कर सकते हैं। और लेंगे हम फिर उसकी मिल्किंग करके दिखाऊंगी आपको। और अभी मैं काउ मिल्किंग ही कंटिन्यू करूंगी, इस वजह से मैं थोड़ा बस दुखी लगा लो, परेशान लगा लो, थोड़ा मतलब मूड अच्छा नहीं है। कल शाम को ले गए वो, मुझे तो बहुत पसंद थी। और मतलब मिल्किंग करते थे ना, तो पता ही लगता था कि हम गाय की मिल्किंग कर रहे हैं या भैंस की, क्योंकि मैं तो एक ही बार की है और फर्स्ट टाइम थी वो मेरी। और मतलब बहुत अच्छे से हो गई थी, पता ही नहीं लगा कि मैं वो फैलो मिल्किंग कर रही हूँ। प्यार और सपोर्ट आपने मुझे खाली मिल्किंग पर दिया, काम मिल्किंग पर भी आप इतना प्यार और सपोर्ट दोगे, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो और आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से ना बहुत मतलब कि मिल्किंग इन्वेस्टमेंट फटाफट हो जाती है, इसमें बहुत टाइम लगता है। कुछ दिक्कत हो गई थी इस वजह से इसकी हम अलग से मिल्किंग करते हैं। बीच में कम हो गया पहले से। और फ्रेंड्स, अब तो सावन आ गया है और ऊपर से बारिश का मौसम। चलो मिल्किंग तो हो गई है फ्रेंड्स, और आशा करती हूँ आपको मेरी मिल्किंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें
फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।